बहुत सारे। ए चुप ना अरे ए ए क्या कहूँ कहूँ। और फिलहाल हम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ आप आम इंसान हैं भाई, बाकी लोग तो अनार हैं। आप ही कटेंगे, पिसेंगे, मरेंगे, जो होगा सिर्फ आपके साथ होगा। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहना। देखो मेरी पुरानी सी साइकिल और यहाँ पे बिल्लो रानी है और यहाँ पे ये। और भाई क्या हाल है, सुनो बताओ ना। पहले के कुत्ते बहुत ज़्यादा डर जाते थे, इंसान को देखते ही भाग जाते थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तकरीबन एक हफ्ते बाद मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया। और जो मेरे बिल्डिंग में कोरोना पेशेंट थे, जिनकी वजह से मेरी पूरी बिल्डिंग सील हुई पड़ी थी, वो कोरोना पेशेंट घर पे आ चुके हैं ठीक होके। लाइक 10-12 दिनों के अंदर ही वो ठीक हो गए। खैर नमस्कार, अपना जय श्री राम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इसी नोट पर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ डी मार्ट में। बहुत दिनों बाद आज बिल्डिंग के नीचे भी उतरा हूँ। अभी बारिश जैसा माहौल हो रखा था, बट फिर जैसे मैं बिल्डिंग के नीचे आया बारिश रुक गई। तो ये एक अच्छी संकेत मिली कि चलो अभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। रास्तों पे निकलने पे चीज़ें बहुत आम सी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम टीवी खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वहाँ पे हमें बहुत कुछ निगेटिव पता चलता है। और ऐसे में चीज़ें बहुत ज़्यादा निगेटिव हो भी रही हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे कुछ लोग मिलके एक व्यक्ति को तलवार से काट दिए। लिटरली वो वीडियो में ऐसा दिख रहा था और शायद वो वीडियो सही भी था। तो ऐसे निगेटिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं यार। और ऐसे में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में माइंड के बारे में ऑब्वियसली ज़रूर बात करता हूँ और मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि नाउअडेज़ ये बहुत आवश्यक हो गया है। घर पे बैठे बैठे हमारा माइंड जो है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़े प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर रहा है। और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं जो बहुत इंपैक्ट कर रही हैं। इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में प्योर इंसानों की बहुत ज़्यादा कमी है। हो सकता है कि आप प्योर इंसान भी हो और हो सकता है कि आप नहीं भी हो। और ये कैसे डिसाइड होगा? हाँ, लोग जो आपके ऊपर परसेप्शन देते हैं ना कि आप ऐसे हो वैसे हो, उस पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत निर्भर करता है। लेकिन आप उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको अच्छा बोलते होंगे और वहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको खराब बोलते होंगे। तो ये पूर्णतः निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये देखो लाइन, ये राशन लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। मतलब एक जन का जो नंबर है वो तकरीबन 4-5 घंटे बाद कम से कम आएगा। और इन्हीं के बच्चे होंगे जो अपने आप को हीरो बने फिर रहे होंगे। उनको अपने माँ बाप कितना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, वो चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ये लाइन देख के आपको पता चल पा रहा होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर जो भी है, वो किस हालात से गुजरते हैं। ये देखो इसको पूरा मज़े से बैठा हुआ है। अभी कौं कौं कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, चुप हो गया। एनीवे ये पेड़ पौधे देख रहे हो कितने ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं। ए चुप ना अरे ए ए क्या कौं कौं। ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे ना, मौसम बदलता है, अलग अलग प्रकार के मौसम आते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, फिर हरे भरे होते हैं। तो वो हर एक मौसम को देखते हैं। अगर एक सरीखे वो बस हरे भरे ही रहे, उनमें चेंजेस ना आए, तो शायद उनको भी मज़ा नहीं आएगा और हमें भी उनको देख के मज़ा नहीं आएगा। हम नहीं कहेंगे कि अरे अभी हरियाली का मौसम है, ये मौसम है। हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही है, एक प्रकार से नहीं रह सकती। उसमें बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव, दुख सुख सब आते रहते हैं, वो बदलती रहती है। एक जैसे रहे तो फिर ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं कहलाएगी और आप उससे बहुत जल्दी बोर भी हो जाएंगे। बदलाव ही जीवन है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप अकेले बैठे रहते होंगे, आपको किसी से फ़ोन पे बात करने का मन करता होगा, लेकिन जब आप अपने नंबर देखते होंगे तो आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि किसको फ़ोन करूँ, किससे बात करूँ, कौन इस वक्त मेरा फ़ोन पिक करेगा। नाउअडेज लोगों की ज़िंदगी में दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है। यू नो, एक अच्छा दोस्त नहीं है जिसके पास सब कुछ शेयर किया जा सके, सब कुछ बताया जा सके। तो ऐसे में आपको जीवन में अच्छे दोस्त भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले पर्सन है, इंट्रोवर्ट हैं, लोगों से आपको बात करना ज़्यादा नहीं पसंद, दैट्स कूल, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर रखें जो आप कुछ भी बोलें तो वो एटलीस्ट सुने आपको, उस पर रिएक्ट करें। फिलहाल हम जैसे तैसे कैसे करके पहुँच चुके हैं डी मार्ट पे एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। टोकन वगैरह तो नहीं है, अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो मैं नहीं जाऊँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से। ज़्यादा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रति परिवार केवल एक सदस्य को प्रवेश दिया जाएगा। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें। बाहर पार्किंग मिली नहीं तो अंदर आ गया और यहाँ पे पार्क कर देते हैं। अभी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। जब भी आता हूँ एक मग जरूर लेके जाता हूँ यहाँ से। चूल्हा में लाया नहीं था, सारे सामान इसमें ही एडजस्ट कर दिया। अभी बारिश शुरू हो गई है और मैं कंफ्यूज हूँ कि अभी जाऊँ या थोड़ी देर रुक जाऊँ, वरना भीगने के भी चांसेस है। फिलहाल तो धीरे धीरे हो रही है, अगर थोड़ा सा भी तेज़ हुआ तो भीग जाऊँगा। रुकूं कि जाऊं, कन्फ्यूज़न हो जाता है ना ऐसे हल्की बारिश में, निकलता ही। अगर मैं डी मार्ट के अंदर की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे अंदर।
सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी हो रही थी, थोड़ी नहीं भी हो रही थी, बट आफ्टर ऑल ठीक है ना, इतना तो चलता है। और नाउ डेज अब कोविड 19 से लोग डर नहीं रहे हैं, अब लोगों की अपनी अलग ही समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, लोगों के सैलरीज एंड एवरीथिंग। आई थिंक आप भी इसे अछूते नहीं रहेंगे। विश्व का हर एक पर्टिकुलर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा से छोटा वर्कर हो, इस चीज़ से ज़रूर इफ़ेक्टेड हुआ है। हर एक इंसान को इफ़ेक्ट किया है इस वायरस ने। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसी महामारियाँ कभी ना आए फिर। एनीवे, अभी हम घर की ओर प्रस्थान तो कर चुके हैं और फिलहाल क्या, ये देखो नाले हैं यहाँ पे यार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोलते बोलते इंसान रुक जाता है कि अब आगे क्या बोलूँ, और मेरे साथ तो ऐसा व्लॉगिंग करते वक्त अक्सर होता है। जैसे ही मैंने बोला हल्की बारिश है, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, काफ़ी नहीं पर फिर भी तेज़ हो गई, एटलीस्ट इतनी कि इसमें भीग सकता हूँ अगर ये 2 मिनट तक ऐसे ही रही तो। आई होप कि ये कम हो जाए और यहाँ पे फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे मिट्टी वाले रास्तों पे ना, अगर आप स्कूटी चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फिसलने के चांसेस होते हैं कंपेयर टू बाइक। बाइक के टायर बड़े बड़े होते हैं ना, और ऐसे जगहों पे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के क्रॉस करना चाहिए, दोनों ओर देख के। यहाँ पे भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ये आप रास्तों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बारिश की बूंदें तो कैमरे में नज़र आएंगी नहीं, और फिलहाल हम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ से हम आए थे। यहाँ पे देखो लाइन कितनी ज़्यादा हो गई है, कितने लोग छाते लाए हैं, कितने लोग नहीं लाए हैं, तो ऐसे ही बारिश में भीगते हुए अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये लाइन अभी यहाँ तक आई है, ये लाइन बढ़ती ही रहेगी। जैसे तैसे कैसे करके आ गया हूँ मैं अपने घर पे और हल्का फुल्का भीग भी गया हूँ। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वन सेकंड, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। दरअसल इस वीडियो में मुझे डिमांड वगैरह जाना नहीं था, जस्ट मुझे ब्लॉग रिकॉर्ड करना था। पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था, तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकल गया, चला गया और ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया मेरे लिए और आप लोगों के लिए। यू नो, नहीं रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर ऐसा लगता है यार मैं वीडियो नहीं बनाया। माता